नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। होशंगाबाद कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया एवं तहसील कार्यालय में सभी फाइलों की जांच की। निरीक्षण से संतुष्ट नहीं होने एवं कार्यालय में कमियों को देख कलेक्टर खासे नाराज भी हुए। तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू से कलेक्टर द्वारा कुछ सवाल भी किए गए, जिनके जवाब नहीं दे पाने पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह भड़क गए एवं बाबू को फटकार भी लगाई। फटकार लगाते समय जब कलेक्टर ने मीडिया कर्मियों को वीडियो बनाते देखा तो वे वीडियो बनाने की मना करने लगे और कहा कि जो भी जानकारी चाहिए मुझसे बाद में ले लेना। जिसके बाद तहसीलदार कोर्ट, SDM कोर्ट सहित नायब तहसीलदार कोर्ट का भी कलेक्टर के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई तरह की कमियां पाई गई, जिससे नाराज कलेक्टर ने अधिकारियों से दो टूक कहा कि यदि 7 दिनों में तहसील कार्यालय की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो SDM, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार पर कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को सिवनी मालवा तहसील कार्यालय में अनियमितताओं को लेकर कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने शुक्रवार दोपहर अचानक निरीक्षण किया। अभी रिसेंटली मैंने रेवेन्यू ऑफिसर मीटिंग ली थी, उसमें पाया था कि कुछ कोर्ट्स में कमियां हैं जिससे जनता को परेशानी हो रही है। आज मैंने तहसीलदार, नायब तहसीलदार और SDM कोर्ट्स के रेवेन्यू केस किस तरह से ये लोग चला रहे हैं, उसकी डीलिंग कैसे कर रहे हैं, उसकी जांच की है। इसमें निश्चित तौर पर बहुत सारी कमियां हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार कोर्ट्स में भी हैं। उनको निर्देशित किया है कि एक हफ्ते के अंदर ठीक कर लें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएंगी। कुछ WBN कानून को और अन्य शाखाओं का भी निरीक्षण किया है, वहाँ पर भी रिकॉर्ड संधारण ठीक से मिला नहीं है। उनको सभी को नोटिस जारी करके कार्रवाई की जाएंगी, जिससे कि जनता को काम समय पर हो। इसका उद्देश्य ये है कि रिकॉर्ड अद्यतन रहे और जनता के जो काम है, पब्लिक के काम है, वो समय पर हों और ठीक से। ये इसका उद्देश्य। सर, अभी सिवनी मालवा नगर पालिका अध्यक्ष पर FIR हो गई है, फरार भी है, तो नगर पालिका में प्रशासक की नियुक्ति हो गई है, तो वो कब तक हो पाएगी? ये मामला कल आया है संज्ञान में, शासन स्तर से भी उसकी नियुक्ति होना है, तो उसका प्रस्ताव अगर हमारे यहाँ से मांगा जाएगा तो शुक्रिया। पिपरिया के मंगलवारा थाना पुलिस ने अवैध रूप से रेत चोरी व परिवहन करते पकड़े जाने पर ट्रैक्टर चालक और वाहन मालिक समेत 3 लोगों पर रेत चोरी का मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर चालक के पास उत्खनन, परिवहन और वाहन संबंधित उचित दस्तावेज नहीं पाए जाने के चलते ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 389, 109 IPC व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। गौरतलब है कि रेत चोरी के मामले में इस तरह की कार्रवाई लंबे अरसे के बाद देखने को मिली है, जिससे हो सकता है कि रेत माफियाओं में भय व्याप्त हो सके। सर, आज क्या कार्रवाई की है रेत की ट्राली पकड़ने के बाद? वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशानुसार आज जिले में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। उसमें आज सुबह तड़के सुबह एक सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत चोरी करके परिवहन कर रहा है। मौके पर जारी किया था, देखकर भागा और हमारे फोर्स की मदद से हमने उसको बरामद किया है। सिवनी मालवा में कार्यरत शिक्षकों एवं अध्यापकों का अप्रैल माह के वेतन का भुगतान इस माह के 17 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया है, जिसके चलते अध्यापकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अध्यापकों को और अधिक आर्थिक संकट ना झेलना पड़े,
इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के उपाध्यक्ष राममोहन रघुवंशी ने जिला कलेक्टर होशंगाबाद के नाम का एक ज्ञापन SDM रविशंकर राय को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से वेतन भुगतान आवंटन जारी करने हेतु लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश को पत्र प्रेषित कर आवंटन जारी करने हेतु मांग की गई है। भागपुर विधानसभा के बावई ब्लॉक के ग्राम जावली के ग्रामीणों ने कई दिन पहले प्रशासन को रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए ज्ञापन दिया था, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार शाम जावली ग्राम की तवा नदी में अवैध खनन करते हुए डंपर और ट्रैक्टर ट्रालियों को रोक दिया और उन्हें रेत का उत्खनन एवं परिवहन नहीं करने दिया। मामले को बढ़ता देख बाबई थाना प्रभारी अनूप सिंह नेम और सोहागपुर SDOP प्रेम प्रकाश गौतम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर बड़े स्तर पर अवैध रेत उत्खनन कार्यों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कितनी देर बाद बोले साहब? प्रशासन ने बार बार यहाँ गश्त भी की, रात में आया हूँ तो, पर मशीन जो है हमारे जाने के बाद ये लोग चालू कर लेते हैं, है ना। तो इनके ऊपर 379 और जो भी नियम के तहत जो राजस्व प्रकरण बनता है, राजस्व की कार्रवाई जो भी नियम में होगा वो अब किया जाएगा। पुलिस की डिमांड करेंगे, इनकी पुलिस दी जाएगी, कार्रवाई करें। हम इनको अभी ये गाड़ी जो पुलिस में जाएगा, 379 जैसी रिपोर्ट प्लानिंग इंस्पेक्ट करेंगे। श्योपुर क्षेत्र में अवैध शराब का व्यापार जमकर फल फूल रहा है, जिससे आम जनता खासी परेशान है, लेकिन जिम्मेदार कार्रवाई ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही अवैध शराब बिक्री से परेशान ग्राम बासनिया के कई युवा शुक्रवार के दिन श्योपुर थाने पहुंचे और ज्ञापन सौंप अवैध शराब बिक्री बंद करने की मांग की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मोनू यदुवंशी, सुरेंद्र लोवंशी, राहुल यदुवंशी, सुखदेव लोवंशी, लवकुश साहू, शुभम साहू, रितेश यदुवंशी, राहुल यदुवंशी, मोनू यादव सहित युवा नेता मोहित यादव उपस्थित थे। ऑलक्लेम के मामले में जांच के बाद पुलिस के द्वारा नपाध्यक्ष एवं पूर्व CMO पर सोमवार को आखिरकार मामला दर्ज कर ही लिया गया। वहीं मामला दर्ज होने के बाद से ही नपाध्यक्ष कल्पना देवी दयाल यादव एवं तत्कालीन CMO विक्रम सिंह फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा सरगर्मी से की जा रही है। वहीं फोन लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। पुलिस के द्वारा पोल क्लेम संबंधित सारे रिकॉर्ड वर्तमान नपा CMO की उपस्थिति में जब्त भी किए जा चुके हैं। वहीं पुलिस के द्वारा नपाध्यक्ष पुत्र से भी पूछताछ की गई। साथ ही शिकायतकर्ता छगन जलखरे, संतोष तिवारी, प्रमोद खंडेलवाल, प्रवीण अवस्थी सहित दीपक वाथव के भी बयान लिए गए। वहीं अब नपा के बड़े ठेकेदारों की भी परेशानी बढ़ गई है। मामला दर्ज होने के बाद से ही नपाध्यक्ष फरार है, जिसके चलते अब नगर पालिका में किसी के भी बड़े भुगतान नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नियमानुसार 10,000 रुपये से अधिक की राशि में नगर पालिका CMO सहित नगर पालिका अध्यक्ष के हस्ताक्षर होना जरूरी है, जो अब नहीं हो पाएंगे। गौरतलब है कि नपाध्यक्ष कल्पना दयाल यादव पर जनरेटर मामले में भी लोकायुक्त जांच कर रही है। पूर्व में जनरेटर मामले में SDM के पास जनरेटर विक्रेता सहित अन्य लोगों के भी बयान हुए थे और जनरेटर मामले में दोषी पाए जाने पर SDM के द्वारा जांच प्रतिवेदन बना कलेक्टर को भेज दिया गया था। अब देखना यह है कि सरकार बदलने का असर जनरेटर मामले पर भी दिखाई देता है या फिर भाजपा सरकार की तरह कांग्रेस भी इसे दमाने में लिप्त हो जाएगी। तत्कालीन नगर पालिका CMO विक्रम सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कल्पना देवी दयाल यादव के विरुद्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय होशंगाबाद में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जो कि जांच हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुई थी। उसकी बारीकी से जांच की गई और जांच पर पाया गया कि सन 2014 में इलेक्ट्रिक पोल में जो बिजली के क्लैंप रहते हैं, तो क्लैंप खरीदी में तत्कालीन CMO और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर से कई गुना अधिक दर पर इलेक्ट्रिक पोल क्लैंप खरीदे गए। लगभग प्रति पोल 5,000 रुपये की दर से खरीदे गए, जबकि उसके जस्ट एक साल पहले वही पोल 475 रुपये प्रति क्लैंप की दर से खरीदे गए थे। बारीकी से जांच पर पाया गया कि संपूर्ण खरीदी में लगभग 7.5 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान
अग्रवाल एजेंसी खाते गांव को नगर पालिका अध्यक्ष और पीएमओ द्वारा किया गया और उन्हें अवैध रूप से आर्थिक लाभ पहुंचाया गया और अपने पद का दुरुपयोग किया गया। जांच के उपरांत मामले का प्रतिवेदन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा गया, जहां से मामले में अग्रिम कार्रवाई करने हेतु आदेश प्राप्त हुआ। उस आदेश के आधार पर ही तत्कालीन सीएमओ श्री विक्रम सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कल्पना देवी दयाल यादव के विरुद्ध धारा 420 34 आईपीसी तथा धारा 13(1)(b) भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। मामले में चूंकि विवेचना का अधिकार डीएससी रैंक के अधिकारी को है, इसलिए हमारे एसडीओपी श्री सोनिया सर इसकी विवेचना कर रहे हैं। श्रीमती यादव के घर पर भी दबिश दी गई है और भोपाल स्थित विक्रम सिंह के घर पे भी रात्रि में मेरे द्वारा दबिश दी गई थी, परंतु दोनों लोग घर से फरार हैं। मामले में विवेचना पूर्ण कर और अन्य दस्तावेजी कार्रवाई जो नगर पालिका से की जानी है, वहाँ के दस्तावेज जब्त किए जाने हैं, जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए।